हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं शेयर करने वाली हूँ गोल्डन मिल्क की रेसिपी, मतलब कि हल्दी के दूध की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी और बहुत ही अलग रेसिपी है। इम्यूनिटी के लिए, वेट लॉस के लिए, स्किन के लिए, एलर्जीज के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हल्दी का दूध बनाने के लिए मैंने ये पैन ले लिया है और इसमें मैं 2 कप के करीब दूध डाल रही हूँ। दूध में अच्छे से बॉयल आने के बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें ये 1/2 स्पून से भी थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर। तो अच्छे से हल्दी पाउडर को हमें मिक्स कर लेना है। हल्दी हमारे डाइजेशन के लिए, वेट लॉस के लिए और हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। रात में अगर नींद नहीं आ रही है सही से तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल होती है ये। अब मैं डाल रही हूँ क्रश की हुई काली मिर्च, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए तो अच्छी है ही, गले की सेहत के लिए भी अच्छी है, साथ में हमारी आंखों के लिए भी अच्छी है। ये डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन हमारी एसिडिटी के लिए अच्छी है, अगर एसिडिटी के प्रॉब्लम है तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है, साथ में हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। अब मैं दूध में डालूंगी ये थोड़ा सा देसी घी। घी हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही में अगर हमारे गले में खराश है तो घी उसको एक लेयर देता है जाके गले को, तो गले की खराश में भी आराम मिलता है अगर हम रात में पी रहे हैं। रात में हल्दी वाला दूध पीने से हमें नींद बहुत अच्छी आती है, जुकाम खांसी में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जिनको जॉइंट्स में पेन है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो वेट लॉस कर रहे हैं वो रात में खाना ना खाएं, सिर्फ हल्दी वाला ये वाला दूध पी लें, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तो पहले मैं हल्दी वाले दूध को, जो गर्म दूध है, इसको अच्छे से कप में एक निकाल लूँगी और कप से वापस से फिर से उसी पैन में डालूंगी और कम से कम ये 2-3 बार करूंगी ताकि अच्छे से जो हमने घी या बाकी सब डाला है वो मिक्स हो जाए। ऐसा करने से दूध में पड़ी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी और दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, अच्छे से पीने में भी आ जाएगा। 2-3 बार ऐसे करने के बाद फिर मैं इसको छान लूँगी और फिर ये पीने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसमें मैंने कुछ मीठा नहीं डाला है, अगर आप डालना चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं साथ में। तो ये बनके तैयार है मेरी गोल्डन मिल्क की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।